आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंस्पिरेशन की। कम से कम ये मेरे तो रोल मॉडल हैं, क्योंकि मैंने इनको बहुत ज्यादा फॉलो किया है और इनके बारे में काफी पढ़ा है, काफी सुना है। इनफैक्ट पढ़ा तो कम है लेकिन इंटरव्यूज बहुत सारे देते रहते हैं, ये और इनकी वाइफ। तो आज हम बात करेंगे द फादर ऑफ आर आईटी इंडस्ट्री, भारत की आईटी इंडस्ट्री के पिताजी, फादर ऑफ आईटी इंडस्ट्री, एनआर नारायण मूर्ति। इनका पूरा नाम है नागावारा रामाराव नारायण मूर्ति। तो एनआर नारायण मूर्ति की बात करेंगे दोस्तों, किसने इतनी जबरदस्त इनकी कहानी है, कमाल। मतलब कुछ भी नहीं था इनके पास, सिर्फ दिमाग था, टैलेंट था, पैसे नहीं थे। ये खुद कहते हैं कि पैसे की जरूरत नहीं है, विजन की जरूरत है और अपने आप सक्सेस हो जाती है। टीसीएस के बाद इस समय इंफोसिस दूसरी भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। टॉप 12 दुनिया की जो सबसे बड़ी 12 कंपनी है उसमें से इंफोसिस एक है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे 2017 तक $10 बिलियन, 10,000 से कंपनी शुरू हुई और $10 बिलियन तक वो पहुंच गई, इसकी बात होगी। साथ ही साथ नारायण मूर्ति की जबरदस्त कहानी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिनर्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चक्री पीडीएफ ले सकते, सवाल भी पूछ सकते हैं। रिपब्लिक डे सेल आ गई है दोस्तों, आप जरूर इस सेल को अवेल करिए। 70% ऑफ है सारे कोर्सेस पे, 27 जनवरी तक वैलिड है, बिल्कुल मत छोड़िए। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, स्पेशली यूपीएससी के लिए ऑप्शनल कोर्सेज कमाल के हैं। तो जरूर आप वेबसाइट विजिट करके नंबर्स पे कॉल करके इस सेल को अवेल करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम नारायण मूर्ति की बात करें तो इनका जन्म 20 अगस्त 1946 को हुआ था, आजादी से एक साल पहले, ठीक है। तो अब यहां पे एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ, कर्नाटका में जन्म हुआ था इनका, मैसूर के पास। तो हुआ क्या था कि इनके जो पिताजी थे वो थे टीचर, ठीक है। पिताजी स्कूल में इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते थे और नारायण मूर्ति बताते हैं कि मेरे फैमिली में ये रहा है, मैथमेटिक्स सबका स्ट्रांग रहा है। और इनफैक्ट नारायण मूर्ति का जो इनिशियल करियर था वो आईटी से शुरू नहीं हुआ था, उन्होंने सॉफ्टवेयर या फिर वो कंप्यूटर की तरफ नहीं गए थे, वो मैथ्स की तरफ गए थे। तो मैथमेटिक्स बता रहे कि मेरे दादा के टाइम से सबका घर में मैथ्स से ज्यादा डिस्कस होती थी, तो हर किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रांग था। अब लोगों को मैथ्स से बड़ी दिक्कत होती है भैया, दूर भागते हैं कि मैथ्स ना लेनी पड़े, ठीक है। तो नारायण मूर्ति की बात करें दोस्तों तो इनके पिताजी थे टीचर। अब इनके पिताजी बहुत ही डिसिप्लिन्ड थे। नारायण मूर्ति एक बताते हैं कि अगर आपको सक्सेस होना है तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और ये जो ट्रेट आया है, ये जो क्वालिटी आई है नारायण मूर्ति, ये अपनी फैमिली से इन्होंने ली है। साथ ही साथ जो इनके टीचर्स थे, टीचर्स को बहुत बड़ा श्रेय देते हैं। नारायण मूर्ति अपने आप को लकी मानते हैं कि मुझे इतने बेहतरीन टीचर्स मिले। जब मैं 9th में था 10th में था और जब मैं यूनिवर्सिटी में भी गया तो टीचर्स ने मुझे वैल्यूज दी, एथिक्स, एक्सीलेंस, डिसिप्लिन, ये सब दिया। तो अपने गुरुओं की बहुत इज्जत करते हैं नारायण मूर्ति। तो हुआ क्या कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, टीचर्स के साथ ज्यादा पैसा उस समय होता नहीं था। 8 लोगों का भरा परिवार था, मतलब टोटल 11 लोगों का परिवार था। नारायण मूर्ति 8 भाई बहन थे, नारायण मूर्ति 5वें नंबर पे हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये बचपन में ही पता चल गया था। 5वें नंबर पे है नारायण मूर्ति और इनके पिताजी, इनकी माताजी प्लस इनकी दादी जी, तो 11 लोगों का भरा पूरा परिवार। पैसे का अभाव रहता था ये नारायण मूर्ति खुद बोलते हैं, लेकिन हैप्पीनेस थी, खुशहाली थी। ये बोलते हैं कि हमारे परिवार में बहुत ज्यादा हम लोग एक दूसरे से लड़ते थे, जो हमारे भाई बहन थे, जो सिबलिंग्स थे, वो एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे की केयर भी करते थे। तो ये जो वासुदेव कुटुंबकम, हालांकि वो तो अलग चीज हो गई, लेकिन ये जो परिवार का एक पूरा कैसे लेके चलना है, कैसे परिवार में प्यार हो, ये भी हमको शुरू से मिला, ठीक है। तो नारायण मूर्ति के जीवन की शुरुआत यहां से हुई। बगल में ही स्कूल था, वहां पे गए और बहुत अच्छी इन्होंने एजुकेशन ली, मैथ्स में कमाल के, और जब भी एग्जाम दिए टॉपर रहे, ठीक है। नारायण मूर्ति को पैसे का अभाव था और इस पैसे के अभाव में उस समय वो आईआईटी में नहीं जा पाए थे, आईआईटी कानपुर में इनका हो गया था। लेकिन इनके पिताजी ने साफ बोल दिया था कि देखो जितनी मेरी सैलरी है, मुझे 8 बच्चों को पालना है, जितनी मेरी सैलरी है, अगर तुम आईआईटी में जाओगी तो मेरी 1/3 सैलरी तुम्हारे ऊपर जाएगी, तो ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। इतना याद रखो, ये बहुत बेहतरीन बात कही थी इनके पिताजी ने, अगर तुम में साहस है, तुम में इंटेलिजेंस है और तुम में तुम्हारे अंदर विजन है, तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने की चाह है, तो तुम अपने आप रास्ता बना लोगे। और नारायण मूर्ति की के दिमाग में ये बात छप गई और उन्होंने अपना रास्ता खुद बना लिया।
और बाद में यही आईआईटी से इन्होंने अपनी पीएचडी की, मतलब इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री जो ली वो इसी आईआईटी कानपुर से। अब दोस्तों उसमें यह भी था कि नारायण मूर्ति बताते हैं कि क्या था कि स्कॉलरशिप्स मिलती थी, होता क्या था कि जो समय स्टेट के टॉपर्स रहते थे, जो स्कूल लेवल पे स्टेट में टॉप करते थे, टॉप 4 टॉप 5 को वो सरकार पैसा देती थी कि आपको जो करना है करो, हम पैसा दे रहे हैं, जितनी पढ़ाई करनी है करो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो जो स्कॉलरशिप थी वो साल के एंड में मिलती थी, तो नारायण मूर्ति इसीलिए उन्होंने अपने पिताजी से पैसा मांगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास नहीं था। तो फिर वो मैसूर यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, वहां पे उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की। 1967 में वो ग्रेजुएट हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है ना। वैसे आपको बता दूं कि नारायण मूर्ति एक और चीज बताते हैं, नारायण मूर्ति की इंग्लिश बहुत शुरू से स्ट्रांग थी क्योंकि इनके पिताजी को वेस्टर्न क्लासिकल बहुत पसंद था, ठीक है, और इनके पिताजी हमेशा विलियम शेक्सपियर और सबको, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाते थे, पढ़ते रहते थे, तो सारे बच्चों को बैठाते थे, और अगर कोई भी शब्द उनको समझ में नहीं आता था तो नारायण मूर्ति से और बच्चों को कहते थे कि चलो ये डिक्शनरी लो और इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। तो वहां से नारायण मूर्ति की अंग्रेजी भी बहुत अच्छी हो गई। अब 1967 में नारायण मूर्ति ग्रेजुएट हुए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। बताते हैं कि मेरे कॉलेज में रिसर्च की कोई सुविधा नहीं थी, ठीक है, और उस समय ऑप्शंस क्या थे, देखिए ऑप्शंस थे कि या तो आप इंजीनियरिंग जाओ, या इंजीनियर बनो, या फिर डॉक्टर बनो, या फिर आप सिविल सर्विस में घुस जाओ। ये दो जॉब्स जो थी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी। तो आप जो बोलते नहीं है, मतलब देखते हैं ना कि काफी लोग बोलते हैं कि अरे इंजीनियर डॉक्टर ज्यादातर यही प्रोफेशन सबके मुंह से निकलता है, याद से नहीं, बहुत टाइम से है, 1947 के बाद से। तो नारायण मूर्ति अब कंफ्यूज कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूं कि मैं इलेक्ट्रिकल मतलब इंजीनियरिंग की तैयारी करूं, जब ये सब कुछ हो रहा था, ठीक है। तो इनके पिताजी ने बोला कि तुम अपना करियर इंजीनियरिंग में ही बनाओ, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके का भारत है, जो आज भारत तुम देख रहे हो, आगे इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा स्कोप होने वाला है, ठीक है, तो बहुत ही अप्लाइड ब्रांच है, तुम इंजीनियरिंग में जाओ। तो नारायण मूर्ति ने अपने पिताजी की बात मानी, एडवाइस ली, ठीक है, और अपने टीचर से भी बात की। उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग में ही अपना करियर आगे बढ़ाया। फिर ये आईआईटी कानपुर से इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री ली। अब दोस्तों ऐसा है कि ये जो मास्टर्स डिग्री थी आईआईटी कानपुर की, अगर हम बात करें तो यहां पे भी एक कंट्रोल सिस्टम पे रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम मैथ्स है। एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने देखा, उस समय आईआईटी कानपुर का आज भी बहुत बड़ा नाम है, उस समय भी बहुत बड़ा नाम था, ठीक है, भारत का सबसे बेहतरीन कॉलेज था आईआईटी कानपुर, ठीक है, सारे आईआईटीज में भी बेस्ट था, आज भी है, ठीक है। तो था क्या कि उस समय दुनिया की 8 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, स्पेशली अमेरिका की 8 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आईआईटी कानपुर से कोलैबोरेट कर रही थी, ठीक है। तो बाहर से प्रोफेसर्स अमेरिका से आते थे, बर्कलेज यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से यहां पे लेक्चर देते थे। तो नारायण मूर्ति को आईआईटी कानपुर जाना ही था। तो दोस्तों पहले तो इन्होंने कंट्रोल सिस्टम पे पढ़ाई की, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिशियन इनको बनना था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक प्रोफेसर आए और उन्होंने कंप्यूटर्स पे लेक्चर दिए, ठीक है, वो बहुत ही छोटी सी सेमिनार थी, लेकिन वो जो कंप्यूटर पे लेक्चर था, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आगे कैसे होने वाली है, फ्यूचर कैसे होने वाला है, वो इतना ज्यादा नारायण मूर्ति को स्ट्राइक किया कि उन्होंने अपनी ब्रांच ही बदल ली। उन्होंने अपने प्रोफेसर से बात की, ठीक है, प्रोफेसर कृष्णा अय्यर, ठीक है, बहुत ही फेमस, उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि मुझे अपनी ब्रांच जो है वो चेंज करनी, मुझे अब कंप्यूटर्स के बारे में सीखना है। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम हार्ड वर्किंग हो, इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल जो तुमको सही लगता है करो, हमारी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है। तब वहां पे जो आईबीएम के बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, अभी तक विंडोज आया नहीं है, ठीक है ना, अभी तक बिल गेट्स नहीं आए, तो बड़े बड़े जो आईबीएम के कंप्यूटर्स होते थे वहां पे काम करना शुरू किया नारायण मूर्ति ने। अभी भारत में तो कंप्यूटर का सी भी किसी को नहीं मालूम, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ, फिर आईआईटी में इन्होंने जम के पढ़ाई की, ठीक है, जम के इन्होंने अपनी मतलब जो इनका पूरा स्किल्स थी उसको यूटिलाइज किया। उसके बाद फिर वो आईआईटी कानपुर से बाहर निकले, ठीक है। अब नारायण मूर्ति तुरंत उनको आईआईएम अहमदाबाद, वो एक रिसर्च एसोसिएट हो गए, ठीक है, अब ये बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा, आई एम में थे शायद प्रोफेसर कृष्णा अय्यर, ठीक है, तो यहां पे वो रिसर्च एसोसिएट हुए। आईआईएम चाहते तो इनको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती थी, ठीक है, ये भी अमेरिका चले जाते, लेकिन आईआईएम में इनको बहुत अच्छा मौका मिला। क्या मौका मिला? मौका ये था दोस्तों कि यहां पे भी इनको कंप्यूटर ही इंस्टॉल करना था, तो जो काम था वो कंप्यूटर से ही रिलेटेड था, इंटरप्रेटर को बनाना विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन, बहुत सारी कंप्यूटर्स को देखना, उनको इंस्टॉल करना, उनके बारे में समझना। तो वहां पे ये चीफ सिस्टम प्रोग्रामर थे, तो इसीलिए इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद को चुना ताकि कंप्यूटर के लिए ये कंप्यूटर के बारे में और जान सके। लेकिन नारायण मूर्ति ने पहले, ये चीज हमेशा होती है ना कि आपको जो करना होता है पहले आप उसके बारे में जानिए और टाइम दीजिए, तो नारायण मूर्ति ने पहले कंप्यूटर्स के बारे में जाना, एक एक चीज समझी, उसके बाद उन्होंने
हिट किया, सही टाइम पे हिट किया बिल्कुल। अब दोस्तों था क्या कि अब 1980s में कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट होने लगा, कंप्यूटर्स बनने लगे, छोटे छोटे कंप्यूटर्स, इधर स्टीव जॉब्स तो कंप्यूटर्स बनाने लगे, और अमेरिका में तो कंप्यूटर का बड़ा स्कोप, लेकिन भारत में नहीं, अभी भी हम लोग लाइसेंस राज में ही थे। अभी बताऊंगा वो कहानी क्या है कि कितनी ज्यादा मुश्किल हुई इन्फोसिस को बनाने में, ठीक है। तो काफी वक्त तक, लगभग 5 साल तक ये आईआईएम अहमदाबाद में रहे, 5 साल की दो तीन, ये थोड़ा मैं भूल गया हूं, लेकिन काफी वक्त तक वो आईआईएम अहमदाबाद में रहे, ठीक है। और उस समय जो भारत के लिए कंप्यूटर बनाती थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECIL बनाती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि ECIL कंप्यूटर खाली उस समय एक ही कंपनी थी जो कंप्यूटर बनाती थी भारत में, वो थी भारत की ही कंपनी ECIL। क्यों? क्योंकि भारत में लाइसेंस राज था। लाइसेंस राज क्या था? आपको एक सुई बनाने के लिए भी सरकार से 50 परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। कुछ लोगों के पास ही ये लाइसेंस था कि वो इन्वेस्ट कर सके, मतलब वो बिजनेस कर सके। अगर आपको 1980 के दशक में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता वो चल ही नहीं पाता, क्योंकि आपको इतनी परमिशंस लेनी पड़ती थी सरकार से। नारायण मूर्ति को खुद, वो कंप्यूटर बनाना चाहते थे, कंप्यूटर बाहर से लाना चाहते थे, भारत में बेचना चाहते थे, इतनी प्रॉब्लम हुई उनको। एक टेलीफोन ऑफिस में लगाने में उनको 1 साल लग गया, कंप्यूटर बाहर से लाने में उनको 3 साल लग गए। इतना ज्यादा, इतनी हर्डल्स थी, इतनी रुकावटें थी। तो मनमोहन सिंह को हम सबको मनमोहन सिंह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि 1991 में उन्होंने इकोनॉमी को खोली, लाइसेंस राज को खत्म किया, तब ये सब कुछ हुआ है। और तब इन्फोसिस भी बढ़ी, अगर लाइसेंस राज रहता तो शायद इन्फोसिस क्या कोई भी कंपनी भारत में आई नहीं पाती, बहुत दिक्कत होती। तो भारत पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। तो वैसे आपको बता दूं कि नारायण मूर्ति अपने आप को आइडियलिस्टिक कैपिटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब आइडियलिस्टिक कैपिटलिस्ट क्या होता है, पहले नारायण मूर्ति थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ थे, ठीक है, लेफ्टिस्ट सेंटर, ठीक है, लेकिन बाद में वो थोड़ा सा कैपिटलिस्टिक मॉडल को फॉलो करने लगे। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसा उनका बल्गेरिया में एक्सपीरियंस रहा। अरे नहीं, अभी बताने का सही समय है, क्योंकि जब वो आईआईएम अहमदाबाद में थे तब वो काफी देश ट्रैवल किए, ठीक है। वो पेरिस गए, अच्छा फ्रांस को बहुत ही अच्छा बताता है नारायण मूर्ति कि फ्रांस कमाल का शहर है, ठीक है, स्पेशली फ्रांस कमाल की कंट्री, स्पेशली पेरिस जो फ्रांस की कैपिटल है, आप वहां पर रात में 1 बजे भी निकल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना अच्छा, इतने फ्रेंडली, अगर आप वहां पे फ्रेंच बोल दे तो लोग आपको घर तक बुला ले कि चलो हमारे घर पे ही डिनर करो, हमारे घर पे ही रहो। तो इस तरीके से, तो जब आईआईएम अहमदाबाद में थे तो हम ये देखते हैं कि खूब घूमे नारायण मूर्ति, और यहाँ पे एक एक्सपीरियंस बताते हैं, तब से उनको थोड़ा सा लेफ्टिस्ट से थोड़ा सा मतलब वो पीछे हट गए। हुआ क्या था कि एक बार ये बल्गेरिया में गए थे, ठीक है, तो अब इनकी सुबह ट्रेन थी, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इनके पास खाने के लिए था नहीं, इनको भूख लगी, इन्होंने स्टेशन में के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था वहां पे इन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा, लेकिन उसने बोला कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब नारायण मूर्ति के पास पैसे नहीं थे, अब बैंक खुलने थे कल, ये रात की 9:30 बजे की बात है, बैंक कल खुलने थे, ठीक है, उस समय क्रेडिट और डेबिट कार्ड थे नहीं, कोई ATM था नहीं, तो अब क्या करें, तो स्टेशन पे ही सो गए नारायण मूर्ति, ठीक है। अब स्टेशन पे सो गए, अब अगले दिन सुबह हुई, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि छोड़ो खाना, ऐसा करते हैं कि मैं अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलता हूं, ठीक है। तो हुआ क्या कि वो जब ट्रेन में बैठे तो एक रशियन कपल था, ठीक है, तो नारायण मूर्ति को लैंग्वेजेस आती है, रशियन आती थी, तो नारायण मूर्ति ने एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश की, कुछ बात करने की कोशिश की, तो वहां पे जो रशियन कपल था, ठीक है, वो लड़की तो थोड़ा सा बातचीत करने लगी। अब उस जो लड़का था साथ में उसको ये खराब लगा, उसने पुलिस को बुला लिया, ठीक है, पुलिस नारायण मूर्ति को पकड़ के ले गई। अब पुलिस जब नारायण मूर्ति को पकड़ के ले गई तो 8x8 फीट का रूम था, जेल थी, वहां पे नारायण मूर्ति को 3 दिन तक बंद करके रखा, कोई खाना नहीं दिया, कोई पानी नहीं दिया, और उसके बाद 3 दिन के बाद नारायण मूर्ति को छोड़ा। पता है क्यों छोड़ा? एक छोटी सी मालगाड़ी में बैठाया उनको, फ्री ट्रेन जो थी वहां पे बैठाया, बोला कि जल्दी से निकलो यहां से, हम तुमको सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम भारत से हो और भारत से हमारे संबंध अच्छे हैं। तो नारायण मूर्ति ने बोला कि यार ये मेहमानों के साथ भारत से संबंध अच्छे हैं, तब सोवियत वाले ऐसा कर रहे हैं, अगर खराब होते संबंध तो मुझे जान से ही मार देते। तब से नारायण मूर्ति जो थे वो वैल्यू बेस्ड कैपिटलिस्ट मॉडल पे चल पड़े, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ, समझ रहे। अब हम ये देख रहे हैं कि नारायण मूर्ति ने आईआईएम अहमदाबाद को छोड़ा, ठीक है, और अपनी कंपनी सॉफ्ट ट्रॉनिक्स के नाम से शुरू की। लेकिन उस समय माहौल ये था कि कंप्यूटर कोई भी नहीं जानता था, जैसे कि मैंने बताया ना, खाली ECIL खाली उस समय कंप्यूटर बनाती थी, ठीक है, तो कंप्यूटर कोई नहीं जानता था, तो ये बिजनेस चला नहीं इनका। 9 महीने में इन्होंने बंद कर दिया, इन्होंने एक्सपीरियंस लिया और बंद कर दिया। उनको पता था कि अगर इस समय मैं कंप्यूटर का कुछ भी कंप्यूटर के क्षेत्र में स्टार्ट करूंगा तो चलेगा नहीं। उसके बाद इन्होंने एक्सपीरियंस के लिए पटनी कंप्यूटर सिस्टम जो कि पुणे में है, ये ज्वाइन किया इन्होंने, ठीक है। फिर दोस्तों बहुत हो गया, कुछ वक्त तक ये रहे, अब ये 35 साल के हो गए। ये बताते हैं कि मैंने काफी
एक आप अंधविश्वास कह लीजिए, लेकिन नारायण मूर्ति बोलते कि मेरे पास पूरा डेटा था कि 35 साल के बाद बिजनेस सारे सक्सेसफुल होते हैं। तो 20 जुलाई 1981 को इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं सब कुछ छोड़ूंगा और सिर्फ अपने बिजनेस पे ही कॉन्सेंट्रेट करूंगा, फोकस करूंगा। और तब इन्होंने 1981 को, जुलाई 1981 को, इन्फोसिस की स्थापना की। लेकिन पैसा किसी के पास नहीं था, 10,000 रुपए सुधा मूर्ति ने दिया। सुधा मूर्ति की क्या कहानी है, सुधा मूर्ति की बात करें तो खुद भी ये अपने में ही बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। 1996 में, ठीक है, 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना हुई। इन्फोसिस फाउंडेशन अंडर प्रिविलेज सेक्शन को देखती है, ठीक है। हॉस्पिटल्स चलते हैं, स्कूल्स चलते हैं, ये सब इन्फोसिस के पैसे की बदौलत। नारायण मूर्ति बहुत भर भर के सोशल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नारायण मूर्ति निभाते हैं, बहुत पैसा देते हैं वो, सोसाइटी के लिए बहुत करते हैं, यही तो मानता है। तभी तो ऐसे लोग इतने, आप देख लीजिए, चाहे रतन टाटा हो, चाहे नारायण मूर्ति हो, चाहे अजीम प्रेम जी हो, उनकी भी बायोग्राफी, वो सब सोशल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो जब आप इतना सोसाइटी के लिए करेंगे तो वो अल्टीमेटली आपके पास ही आएगा, जो करोगे वही भरोगे। तो 1996 में जो इन्फोसिस फाउंडेशन थी उसकी चेयरमैन है सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति कौन है वैसे, ये नारायण मूर्ति की वाइफ है। सुधा मूर्ति पहली इंजीनियर थी जिन्होंने, जिसको टेलको ने अपने पास बुलाया था, टेलको जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो सुधा मूर्ति पहली इंजीनियर थी। सुधा मूर्ति का भी इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, ये भी काफी जीनियस है, बहुत बड़ी जीनियस। तो सुधा मूर्ति से नारायण मूर्ति की शादी हुई। तो सुधा मूर्ति ने अपनी सैलरी से पैसे बचाए और 10,000 रुपए उस समय नारायण मूर्ति को दिए, और बाद में बोला था कि तुम मुझे दे देना, ये उधार है एक तरीके से। वैसे सुधा मूर्ति बताती कि मैंने बहुत खर्च किया था नारायण मूर्ति पे, नारायण मूर्ति के पास उस समय पैसे नहीं होते थे। और यहां तक कि जब पुणे में थे नारायण मूर्ति, तो सुधा मूर्ति के जब माता पिता आए थे शादी की बात करने, तो जब देखा नारायण मूर्ति के पास तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है, ये तो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कंपनी बनाने की। तो यहाँ पे उनके पिताजी और उनके माताजी इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हुए थे, लेकिन सुधा मूर्ति अड़ गई कि मैं शादी करूंगी तो इसी से ही करूंगी, और दोनों की शादी हुई और बहुत ही हैप्पी मैरिज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब 10,000 रुपए से नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस को शुरू किया, और उनके बेडरूम में ही ऑफिस था। शुरू में 200 एम्प्लॉयज थे खाली, और ये 8 लोगों ने, जिसमें नंदन नीलकणी भी शामिल थे, ठीक है, सॉरी 6 लोगों ने, मतलब अगर नारायण मूर्ति को मिला दे तो टोटल 7 लोगों ने, सात सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, ये सब अपने में ही बहुत बड़ा नाम थे, नाम इन द सेंस कि बड़े जीनियस थे, जिसमें नंदन नीलकणी भी शामिल थे जिन्होंने आधार को पूरा बनाया। नंदन नीलकणी की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, और नारायण मूर्ति के बाद नंदन नीलकणी सीईओ बने थे, ठीक है ना, जो कि को फाउंडर रहे हैं। तो उन्होंने 1981 में इन्फोसिस को शुरू किया। अब दोस्तों इस समय नारायण मूर्ति 35 साल के थे। अब देखिए दोस्तों कितनी ज्यादा स्ट्रगल होती है। नारायण मूर्ति के जो दोस्त थे, आईआईटी से सब पढ़े, सब अमेरिका, ठीक है, सबके पास कार, सबके पास बंगला, नारायण मूर्ति के पास कुछ नहीं था। बहुत लोगों ने ये तक बोला कि ये सब बकवास है, तुम ये बिजनेस बिजनेस कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, ये सब बंद कर दो, और एक बिजनेस ऑलरेडी फ्लॉप हो चुका है, बंद करके तुम भी बढ़िया सी नौकरी ज्वाइन करो, पैसा कमाओ। नारायण मूर्ति ने बोला नहीं, एक दिन सब होगा मेरे पास। तो कुछ नहीं था यहां पे नारायण मूर्ति के पास, लेकिन नारायण मूर्ति ने बड़ी मेहनत की। अब दौड़ भाग शुरू, इन्फोसिस शुरू तो कर दी, लेकिन उसके लिए दौड़ भाग, लाइसेंस राज है। 50 बार बैंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से बैंगलोर, इन्फोसिस का जो हेडक्वार्टर है वह बैंगलोर में ही है, ठीक है। तो 50 बार दिल्ली से बैंगलोर, बैंगलोर से दिल्ली जाना होता था। अब नारायण मूर्ति के पास पैसे तो थे नहीं, ठीक है, बाकी जो इनके को फाउंडर्स थे उनके पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे, हालांकि बाद में उन्होंने थोड़े थोड़े सबने पैसे लगाए, लेकिन इतने नहीं थे कि बहुत बड़ा एक सेटअप जो है वो बना लिया जाए। तो नारायण मूर्ति ने अपने एक्सपेंसेस को कट किया, वो पैदल चलते थे, वो बहुत ही सस्ते सस्ते होटल में ठहरते थे, कभी कभी तो प्लेटफॉर्म पे ही सो जाते थे। तो ये सब कुछ बहुत स्ट्रगल किया नारायण मूर्ति ने शुरू के 5-6 साल, ठीक है। अब यहां पे एक अमेरिकन कंपनी ने इन्फोसिस के साथ कोलैब किया, वो कोलैबोरेशन भी 1989 में कोलैप्स कर गया, वो भी खराब। तो यहां पे 1989 में फाइनली अब सबने बोला, इन्फोसिस वहीं पे आ गई थी। देखिए 8 साल तो 1981 से लेकर 1989 तक 8 साल तो इन्फोसिस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 1989 में जब ये कोलैबोरेशन कोलैप्स होता है, ठीक है, अमेरिकन कंपनी जो थी वो हट गई पीछे, तो यहां पे नारायण मूर्ति अब बहुत, अब फंडिंग कहां से गए, पैसा कहां से आएगा। तो प्रॉब्लम ये थी कि इन्फोसिस वहीं से ही, वहीं पे ही आके खड़ी हो गई थी जहां पे उसने शुरू किया था। अभी कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा उस समय नारायण मूर्ति के लिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक्चुअली उस समय बहुत सारे एम्प्लॉयज, यहां तक कि जो वन ऑफ द को फाउंडर थे, उन्होंने भी इन्फोसिस को छोड़ दिया था, बोला कि मैं नहीं करने वाला। और बहुत सारे एम्प्लॉयज ये भी बोल रहे थे कि अब शायद इन्फोसिस बचेगी नहीं, तो हम सबको छोड़ देना चाहिए। नारायण मूर्ति ने सबको समझाया कि देखो मैं तो इन्फोसिस के साथ ही जुड़ा रहूंगा, अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे,
लेकिन ज्यादातर लोगों ने नहीं छोड़ी और वो नारायण मूर्ति के साथ रहे। और 1991 जब लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद तो इंफोसिस रुकी ही नहीं, ऐसी छलांग मारी इंफोसिस ने और नारायण मूर्ति ने, मॉर्गन स्टैनली ने 13% स्टेक खरीद लिए। 1993 में हम ये देखते कि नारायण मूर्ति की जो कंपनी थी उसका आईपीओ आ गया है ना, अब उसके शेयर्स बिकने शुरू हो गए। और उस समय 1991 के बाद भारत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बूम आया थैंक्स टू राजीव गांधी। हालांकि उस समय राजीव गांधी जिंदा नहीं थे लेकिन उन्होंने ये पूरा एक विजन तैयार किया था, तो उस समय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बूम आया। अब यहां पे नारायण मूर्ति की कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, इनफैक्ट जो भी सॉफ्टवेयर बिजनेस में थे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और उसके बाद नारायण मूर्ति कभी रुके नहीं, 1981 से लेकर 2002 तक इंफोसिस के सीईओ हैं, समझ रहे हैं ना। शुरू में तो 200 एम्प्लॉयज काम करते थे, 1993 तक की बात है तो 200 एम्प्लॉयज थे इंफोसिस में, आज 1 लाख से ज्यादा ऊपर एम्प्लॉयज है, ठीक है, आज इतने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 1-2 लाख से ज्यादा ऊपर। और हर साल इंफोसिस जो है बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को नौकरियां देता है। जब 1993 में जो रेवेन्यू था वो $5 मिलियन था, लेकिन 2017 तक ये $10 बिलियन हो गया, बिलियन हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री हो गई है, दुनिया भारत की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये सब कुछ नारायण मूर्ति ने किया। 2002 से 2006 तक ये बोर्ड के चेयरमैन रहे, 2011 में इनको रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन 2013 में फिर ये वापस आए कंपनी में, उस समय 67 ईयर्स के थे ये, दोबारा वापस आए और उसके बाद फिर से इन्होंने कंपनी के लिए काम किया। तो ये है नारायण मूर्ति। अब उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि इनको भारत का दूसरा और भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण इनको 2008 में मिला, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो अब आप सोच लीजिए कि नारायण मूर्ति को भारत रत्न भी मिल सकता है, जितने भी भारत रत्न अवार्ड उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, समझ रहे हैं। और हाँ एक चीज तो बतानी भूल गया, फोर्ब्स के हिसाब से, टाइम मैगजीन के हिसाब से जो नारायण मूर्ति अब तक के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से एक है, फादर ऑफ आईटी इंडस्ट्री इनको बोला जाता है, इंडियन आईटी इंडस्ट्री। तो 2000 में पद्मश्री और उसके बाद पद्म विभूषण मिला, तो भारत रत्न भी इनको मिल सकता है, भारत रत्न भी दूर नहीं। तो अब दोस्तों क्या बोलते हैं, क्या नारायण मूर्ति के क्या आइडियाज, हम कुछ वो चीज देखते हैं। सबसे पहले तो नारायण मूर्ति बोलते हैं कि लाइफ में डिसिप्लिन रहो, ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं होता, ठीक है, ये है रूल्स ऑफ सक्सेस, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, यू हैव टू बी करेजियस, बी करेजियस, ठीक है, यहां पे जो आप डिसीजन ले, ठीक है, बहादुरी दिखाएं उसमें, ठीक है, ये मत सोचे क्या होगा, अगर आपका जो डिसीजन है डिस्कस करें इससे पहले, डिसीजन अच्छा है वो आपको बेनिफिट करेगा लॉन्ग रन में, तो आप उतनी हिम्मत दिखाएं कि आप वो डिसीजन ले सके, तो थोड़ी सी बहादुरी दिखानी पड़ती है, ठीक है। अपने आइडियाज पे स्टिक टू योर आइडियाज, जो आपके आइडियाज हैं उनको बदले नहीं, अगर वो इनोवेटिव है, अच्छा विजन है। देखिए आइडियाज को कैसे ये पता चलेगा, आप ये सबसे डिस्कस करें, ऐसे ऐसे लोगों से डिस्कस करें जिनका कंस्ट्रक्टिव माइंड हो, डिस्ट्रक्टिव वालों से नहीं, वो उनका इनपुट होगा, कुछ ना कुछ वहां से फीडबैक आएगा। 12-13 लोगों से डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें से 10 ने अगर अच्छा बोला तो आप उस आइडिया पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उस आइडिया को आगे ले जा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो स्टिक टू योर आइडिया, मेंटल स्टेट बहुत अच्छी रखें, ठीक है, पॉजिटिविटी। नारायण मूर्ति की सबसे बड़ी बात यह थी, स्टेट ऑफ माइंड उनका बहुत स्ट्रांग था, बहुत ही जो भी करते थे वो एकदम फुल कॉन्फिडेंस से करते थे कि मैं इसमें सक्सेस होऊंगा ही होऊंगा। अरे आईआईटी से इंजीनियर हैं, ठीक है, आईआईएम के रिसर्च फेलो, ये इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है, आईआईटी प्लस आईआईएम इज इक्वल टू 1 करोड़ रुपए, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए आपकी मंथली सैलरी इतनी होगी, समझ रहे हैं। तो तब भी नारायण मूर्ति ने इसको नहीं लिया, उन्होंने बोला नहीं मुझे अपनी कंपनी में, मुझे भारत के लिए काम करना है, जी हाँ समझ रहे हैं, ट्रू पेट्रियॉट है नारायण मूर्ति, भारत के लिए मुझे काम करना चाहते तो बाहर भी जा सकते थे, बहुत लोग, बहुत सारे इनके दोस्त बाहर थे। उसके बाद माइंड को अपने प्रिपेयर रखिए, ठीक है, यहां पे लुई पाश्चर को यहां पे कोट करते हैं नारायण मूर्ति की, गॉड फेवर्स प्री प्रिपेयर्ड माइंड्स, जिनका माइंड पहले से लक काम करता है, लेकिन उनके लिए ज्यादा लक काम करेगा जिन जो ऑलरेडी पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड है, जिनका माइंड उस लेवल पे है कि मेरे साथ किस्मत है, तो किस्मत को कैसे यूज करना है, किस्मत आपके साथ है वो एक पार्ट है, लेकिन उसके बाद वो पूरा आपका रोल है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर पाते हैं, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको कैसे यूज कर पाते हैं। और हाँ ट्रस्ट वर्दी, विश्वास के पात्र बनिए, एक धोखेबाज को कोई नौकरी नहीं, उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं, ईमानदारी के रास्ते पर चलिए, विश्वास के जब आप पात्र बनेंगे तो आपको काम मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स ऑफ सक्सेस है नारायण मूर्ति की बायोग्राफी, खुश रहिए पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री की साइड।
आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक इंस्पिरेशन की। कम से कम ये मेरे तो रोल मॉडल हैं क्योंकि मैंने इनको बहुत ज्यादा फॉलो किया है और इनके बारे में काफी पढ़ा है, काफी सुना है। इनफैक्ट पढ़ा तो कम है लेकिन इंटरव्यूज बहुत सारे देते रहते हैं ये और इनकी वाइफ। तो आज हम बात करेंगे द